नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त गौरव, आज दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, जो कि तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये स्टेशन 10 प्लेटफार्म का है। यहाँ पर रोजाना करीब 230 ट्रेनों का हॉल्ट है और इस स्टेशन पर करीब पर डे 1,70,000 पैसेंजर पर डे सफ़र करते हैं। तो आज मैं आपको तेलंगाना राज्य के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद से आपको कुछ ट्रेनों का अराइवल दिखाऊंगा। और दोस्तों आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत यह है कि माइक जो है ना थोड़ा गिर गया, माइक की वजह से हो सकता है आपको आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है वो आवाज़ सही ना आए, तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से उसको एक्स्ट्रा कैरी करके चले। फिलहाल जो हमारा माइक था वो गिर चुका और गिर के टूट गया, क्योंकि काफ़ी भीड़ वाला इलाका है। पर डे आप यहाँ पर 1,70,000 पैसेंजर पर डे सफ़र करते हैं और ये भी इंडिया का एक मोस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से वंदे भारत भी चलती है, जिसका मैंने ब्लॉग डाल रखा है। नहीं आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उसको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, जो कि मैंने तिरुपति से और सिकंदराबाद तक वंदे भारत में सफ़र किया था। आज आपको जो है क्या इस स्टेशन को अच्छे से दिखाने का मतलब यही है कि आप जो है ना यहाँ पर स्टेशन पर रेल फैनिंग करने आए सब तरीके से, और आपको कुछ ट्रेनों के अराइवल यहाँ पर दिखाएंगे। फिलहाल सामने कोई ट्रेन आ रही है, चलिए उसका अराइवल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। और ये जो अनाउंसमेंट हो रही है दोस्तों, ये यहाँ की तेलंगाना की लैंग्वेज में हो रही है। ये है ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस शालीमार हैदराबाद। दोस्तों सामने ट्रेन आ चुकी है हैदराबाद शालीमार, और शाम का ये टाइम है, काफी बिजी रहता है, काफी व्यस्त है। शालीमार हैदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 9 पर ट्रेन का अराइवल हुआ है, और कुछ आपको व्यू अब स्टेशन के ऊपर से दिखाते हैं, फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने के बाद में। काफी व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से ये तो दोस्तों ढलती हुई शाम के साथ प्लेटफार्म नंबर 10 से बेंगलोर राजधानी का डिपार्चर हो रहा है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। तो चलिए आपको बेंगलोर राजधानी का डिपार्चर दिखाते हैं, जो कि हजरत निजामुद्दीन से बेंगलोर की तरफ जा रही है बेंगलोर राजधानी। उसका डिपार्चर आपको प्लेटफार्म नंबर 10 से दिखाते हैं, चलिए।
देखना एक महिला चलती हुई ट्रेन में से नीचे गिर जाती है और वो बाल बाल बच जाती है। भाई चलती ट्रेन में से नीचे नहीं उतरना चाहिए। देखना अभी आपको दिखेगी एक महिला, बहुत धीमे हो गई ट्रेन भी इस चक्कर में वो गिरेगी। ये वो महिला थी, देखो ये चलती हुई ट्रेन में से गिरी थी और अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आई थी। ऐसा आप किसी को भी नहीं करना चाहिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारे सामने खड़ी है तिरुपति निम्नपल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है। इस टाइम और अभी अपने डिपार्चर के लिए इंतजार कर रही है। अभी डिपार्चर उनको डिपार्चर हो जाएगा तो ये भी चली जाएगी और ये काफी व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से स्टेशन की बात करें तो स्टेशन काफी साफ सुथरा है। स्टेशन पर कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी हर चीज की सुविधा उपलब्ध है आपको और वेटिंग लॉन्ज वगैरह एसी नॉन एसी सारी चीज की सुविधा आप सबको इस स्टेशन पर मिल जाएगी और किसी भी चीज की असुविधा आपको इस स्टेशन पर नहीं होगी। बाकी अगर आप वैसे कोई भी यहाँ पर लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये है वेटिंग एरिया, यहाँ पर आप अपनी ट्रेन आने से पहले इंतजार कर सकते हैं और ये है महिलाओं के लिए और अब चलते हैं स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर से आपको रिव्यू दिखाते हैं, उससे पहले आप लोगों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए ना ऐसी कंटेंट लाता रहता हूँ और रेल फेलिंग करने का भी अलग ही मजा है।
स्टेशन का आर्मी भीड़ ना अलग लेवल की है। जो कहा जाता है ना पैसेंजर 170,000 लगता है, इससे ज्यादा भी पैसेंजर जो है ना यहाँ पे पर डे सफर करते होंगे। इसका भी कोई अभी जो है ना पैमाना लगा नहीं चुके हैं। पहाड़ का नजारा कुछ इस तरीके का। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए फिर कह रहा हूँ, ऐसे ही कंटेंट बनाता रहता हूँ। और रेल फैनिंग करने के लिए जो रेल फैन है ना वो ही समझ सकता है कि रेल फैनिंग करने में ना थोड़ा कितना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हम लोगों को। और आज जो है ना माइक भी खो गया है, तो माइक की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है और यहाँ पर बहुत भीड़ है। मैं आ चुका हूँ और सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर, यहाँ पर भीड़ बहुत अलग लेवल की है। चलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं किसी और जर्नी में। इसके बाद में मिलता हूँ आप सबसे, मैं ऐसे ही आपके लिए जर्नी लाता रहता हूँ। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और जर्नी में।